बलरामपुर जिले से नशीली इंजेक्शन खरीदकर अंबिकापुर में बिक्री करने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कब्जे से झोले में रखे नशीली इंजेक्शन सहित घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। दरअसल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बलरामपुर जिले के रामानुजगंज निवासी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से नशीली इंजेक्शन लेकर अंबिकापुर आया है और कोतवाली थाना क्षेत्र के मैरिन ड्राइव के पास इंजेक्शन की बिक्री करने ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मुखबिर के बताए हुए हुलिये के अनुसार उक्त व्यक्ति को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 98 नग नशीली इंजेक्शन सहित एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। आरोपी का नाम सोनू गुप्ता है, जो बलरामपुर जिले के रामानुजगंज का रहने वाला है, जो नशीले इंजेक्शन की बिक्री करने अंबिकापुर आया था। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 21C NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जिला सरगुजा में अभी नशे के अगेंस्ट में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू गुप्ता है अवैध नशीले इंजेक्शन को लेकर घूम रहा है, जिस पर मरीन ड्राइव के पास में हमने अपने स्पॉटर्स लगा के रखे हुए थे और उसी जगह पे हमने उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त किया और उसके जब तलाशी ले गए तो उसके पास से टोटल 48 नग नशीली इंजेक्शन बुप्रेनॉर्फिन पाया गया। इस पर अभी NDPS के तहत कार्रवाई की जा रही है। डिस्कवर गाड़ी में वो घूम रहा था और डिस्कवर गाड़ी के साथ में ही नशीली इंजेक्शन भी बरामद हुई है।